गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि थ्योरी है ना कॉस्ट का मीनिंग क्या है। तो कॉस्ट इज़ अ डिफाइंड एज दोज एक्सपेंसेस फेस्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी एक्सपेंसेस जो एक बिजनेस फेस करता है जब वो सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज अपने कंज्यूमर्स को, ठीक है, कि जो भी उसने जो उसको एक्सपेंसेस हुए अपने गुड्स एंड सर्विसेज, एक बिजनेस ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं जो उसको उसके कंज्यूमर, उसके फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए जो जो एक्सपेंसेस, जो जो खर्चे एक बिजनेस हाउसेस ने फेस किए हैं, है ना, तो उसको हम बोल देते हैं कॉस्ट। वो उसकी कॉस्ट होती है जो जो एक्सपेंसेस उसने फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए फेस किए होते हैं, वो होती है कॉस्ट। तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कि कौन कौन सी कॉस्ट होती है, ठीक है। फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि वो वाली कॉस्ट जो हमने किसी एक, है ना, दो हमारे पास दो ऑप्शंस है, किसी एक ऑप्शंस को छोड़ दी, ठीक है, वो कॉस्ट जो किसी एक ऑप्शन के लिए हमने छोड़ दी, मीन्स कि हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी थी, हमने एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरी वाली छोड़ दी, ये पहली वाली जो छोड़ दी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है, तो आपने, आपको बी बेस्ट लगी तो आपने बी के लिए जो ए वाली, ए भी बेस्ट थी बी भी बेस्ट थी, तो आपने दोनों में से चूज़ की, आपने बी को चूज़ किया, तो उसके बदले में आपने ए वाला जो था उसको छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं कि सेक्रीफाइस। एक चीज़ के लिए सेक्रीफाइस किया किसी दूसरी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस, ठीक है, एक चीज़ का सेक्रीफाइस दूसरी चीज़ के लिए, ठीक है, तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देते हैं, कि लॉस ऑफ अर्निंग, ठीक है, अर्निंग का लॉस ड्यू टू लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, अर्निंग का लॉस हुआ जो जिस अपॉर्चुनिटी को हमने लॉस कर दिया, तो उसकी कॉस्ट, ठीक है, राइट। तो आप नेक्स्ट है अब एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट वो होती है कि जो एक एक्चुअली पेमेंट इनकर्ड हुई उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, एक्चुअली पेमेंट हुई, लाइक लेबर की पेमेंट कई, है ना, मटेरियल की, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी की, तो जो टोटल मनी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुआ है अकाउंट्स की बुक्स में उसको हम एक्चुअल कॉस्ट बोल देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट होती है जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ऑपरेशंस के साथ, जिसको हम इजीली और डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस में, प्रोडक्ट में और प्लांट में। फॉर एग्जांपल हमने ब्रांच मैनेजर को सैलरी दी तो वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो वाली कॉस्ट जिसको हम इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं कर सकते, इजीली ट्रेस नहीं कर सकते प्लांट में, प्रोडक्ट में, प्रोसेस में और डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी की कॉस्ट, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन, डेकोरेशन के एक्सपेंसेस, ये सारी है इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है कि टोटल एडिशनल कॉस्ट, कि टोटल जो हमारा हमारी कॉस्ट थी उसमें एक एडिशंस कर दी, तो उसको हम टोटल, उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोल देते हैं। दीज कॉस्ट आर एडिशन टू द कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन द नेचर एंड लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, कि चेंज एडिशन हुई कॉस्ट में, ठीक है, जिस किसकी वजह से नेचर और लेवल, बिजनेस एक्टिविटी का नेचर चेंज हो गया, लेवल चेंज हो गया, उसकी वजह से जो कॉस्ट हमारी चेंज हुई वो होगी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। नेक्स्ट इज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट होती है वो तब इनकर्ड होती है और जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से उस कॉस्ट को हम रिकवर नहीं कर सकते, तो उसको संक कॉस्ट बोलते हैं। संक कॉस्ट जब उसको हम किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इसको कंसीडर्ड लेने में, है ना, इसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इस ये कॉस्ट जो है वो कभी भी हमें रिकवर नहीं होगी, इसके लिए इसको डिसीजन मेकिंग में हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कंपनी है, उन्होंने $20,000 स्पेंड किया अपने सेल्स स्टाफ को ट्रेन करने के लिए कि वो यूज़ करें न्यू टैबलेट्स का, कंप्यूटर टैबलेट को, है ना, यूज़ कैसे करना है उसको सीख सके, ताकि वो कस्टमर्स के ऑर्डर ले सके, बट जो कंप्यूटर है वो प्रूव हुआ, वो अनरिलायबल प्रूव हुआ, तो सेल्स मैनेजर ने डिसकंटिन्यू कर दिया उसका यूज़, तो जो ट्रेनिंग की कॉस्ट उस पर लगी वो हमारी संक कॉस्ट है, और दोबारा से हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज
एक्सप्लिसिटी कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो पेमेंट्स हमने वो वाले फैक्टर्स के लिए पेमेंट की जो फर्म के कंट्रोल से आउटसाइड है फर्म के कंट्रोल से। तो ये पेमेंट्स जो है वो मैंडेटरी होती हैं एंटरप्रेन्योर के लिए, रॉ मटेरियल है ना परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल नहीं सॉरी, ठीक है जी, परचेज करने के लिए और हायर करने के लिए सर्विसेज ऑफ वेरियस प्रोडक्टिव फैक्टर्स। वेरियस प्रोडक्टिव फैक्टर्स को परचेज करने के लिए वो है ना ज़रूरी होती है, जैसे जो उसके साथ बिलोंग नहीं होती मैनेजर्स पर जो है ना एंटरप्रेन्योर के साथ, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो पेमेंट होती है जो सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज पर होती है, जिसको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं जो रिसोर्सेज उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है वो एक्चुअल कॉस्ट होती है एसेट की, जब हमने एक उसको एक्वायर्ड किया पास्ट में, उसको हमने एक्वायर्ड किया तब जो हमें उसकी कॉस्ट लगी उसको हम हिस्टोरिकल बोल देते हैं। ये कॉस्ट जो होती है कि वो जो प्राइस हमने ओरिजिनली पेड किया था उस चीज़ को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो दूसरी साइड जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसका मतलब होता है कि जिसको हमने करंटली पेड किया उस एसेट को, करंटली टाइम पर जो आज टाइम चल रहा है उस टाइम पर जो उस एसेट को एक्वायर करने के लिए पेड किया, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जो होती है वो पास्ट कॉस्ट के साथ रिलेटेड होती है, और जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है वो प्रेजेंट कॉस्ट के साथ रिलेटेड होती है। तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। सपोज करो कि एक मशीनरी है, उसका प्राइस था 2003 में 2003 में 2 लाख था उसका प्राइस, बट प्रेजेंट प्राइस आज जो है टाइम उस पे उसका प्राइस है 5 लाख। तो एक्चुअल कॉस्ट उसकी थी 2 लाख, जो 2003 में थी उसकी एक्चुअल कॉस्ट 2 लाख जो उस टाइम पर थी, तो वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है जी। और दूसरी साइड जो रुपीज 5 लाख थे वो अब प्रेजेंट की कॉस्ट है, वो है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट इज अर्जेंट कॉस्ट एंड पोस्ट पोस्टपोनेबल कॉस्ट। अर्जेंट कॉस्ट होती है जो कॉस्ट नेसेसरी होती है एक फर्म की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट, ये एग्जांपल्स हैं इसकी, ठीक है, कि वो कॉस्ट जो हमारे बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो दूसरी साइड पोस्टपोनेबल कॉस्ट होती है जिस कॉस्ट को हम है ना जिस कॉस्ट को हम सम टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, आगे कर देते हैं, उसको हम पोस्टपोनेबल, ठीक है जी, पोस्टपोनेबल कॉस्ट बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने किसी है ना मेंटेनेंस कॉस्ट, किसी मशीनरी की मेंटेनेंस करवानी है, वो वाली जो कॉस्ट आएगी उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट इज शट डाउन कॉस्ट एंड अबंडनमेंट कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो किसी बिजनेस को टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए बंद करना हो बिजनेस एक्टिविटीज़ को, उस पर अकड़ होती है। ये वाली कॉस्ट हम तब सेव कर सकते हैं अगर हम अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखें। तो शट डाउन कॉस्ट में एक एडिशन कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट में, ठीक है जी, ये कवर करती है एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है, जो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं होती तब तक, ठीक है। तो कॉस्ट शट डाउन कॉस्ट क्या है कि जो इनकर्ड होती है टेम्पररीली बिजनेस को बंद करने के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो दूसरी साइड अबंडनमेंट कॉस्ट क्या होती है, वो वाली कॉस्ट जो रिटायर कर फिक्स्ड एसेट को रिटायर करने पर आती है, उसको हम अबंडनमेंट कॉस्ट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्लांट, कि हमने एक जो हमारे पास जो प्लांट था अब हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, ख़त्म कर दिया, अपनी एसेट से निकाल दिया, तो वो वाली कॉस्ट उस पर जो कॉस्ट निकलेगी वो हमारी होगी अबंडमेंट कॉस्ट। अबंडमेंट कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है परमानेंट सीजेशन ऑफ एक्टिविटी, मीन्स के परमानेंटली हमने वो एक्टिविटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बंद कर दी है, तो उस पर जो हमारे एक्सपेंस होगा उसको हम अबंडमेंट कॉस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड होती है, वो ना आउटपुट के लेवल के चेंज होने के साथ वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स्ड रहती है। हमारी आउटपुट चाहे जितनी मर्जी हो बट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसमें इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ मैनेजीरियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मेंटेनेंस ऑफ लैंड, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वो है जो आउटपुट लेवल के चेंज होने से हमारी कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड होगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, ये सब। नेक्स्ट इज
टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होती है कि टोटल रिसोर्सेज, जितनी टोटल कॉस्ट हमारी आई प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करने के लिए टोटल कॉस्ट जितनी हमारी आई उसको टोटल कॉस्ट बोलेंगे। एवरेज कॉस्ट नेक्स्ट इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हमें ऑब्टेंड होती है टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट के साथ डिवाइड करने पर हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, एडिशन होता है टोटल कॉस्ट में। क्यों क्यों होता है? क्योंकि हमने प्रोडक्ट को एक यूनिट और प्रोड्यूस करने के लिए एडिशनल यूनिट लगाया है, उसको उसके साथ हमारी टोटल कॉस्ट चेंज हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉरी नेक्स्ट टाइप है शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट वो होती है जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ठीक है, कि वेरी कर जाती है जब हमारी आउटपुट में वेरिएशंस होती है, बट जो फर्म का साइज है वो सेम रहता है, ठीक है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए इसके साथ रिलेटेड होती है। दूसरी साइड जो लॉन्ग रन कॉस्ट होती है वो कॉस्ट, वो वाली कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड एसेट पर जैसे कि प्लांट बिल्डिंग उस पर अकट होती है। ये कॉस्ट की इम्प्लीकेशन जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि लॉन्ग रन सिंपली रेफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ऑल इनपुट्स कैन बी वैरी, वो वाला पीरियड ऑफ टाइम जिसमें सारी इनपुट्स जो हैं वो वैरी हो जाती हैं, ठीक है, लॉन्ग रन इम्प्लीकेशंस होती है इसकी। तो होप क्लास आपको ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको नहीं समझ आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।